देवधर ट्रॉफी 50 ओवर मैच का टूर्नामेंट खत्म हो गया है। फाइनल मैच में इंडिया सी ने इंडिया बी को करारी मात दी। इस दौरान फाइनल मैच में इंडिया सी के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक भी लगाया, लेकिन रहाणे के शतक से ठीक पहले जो हुआ वो इतना मजेदार और शानदार था कि लोग इसे बार बार देख रहे हैं। हम आखिर में आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आखिर हुआ क्या। तो इंडिया सी की तरफ से कप्तान रहाणे क्रीज पर थे, 36वां ओवर शाहबाज नदीम डाल रहे थे। रहाणे ने मिड ऑन पर शॉट खेला और एक रन ले लिया। इस दौरान रहाणे 96 रन से 97 रन पर पहुंचे, लेकिन स्कोरर ने गलती से रहाणे का स्कोर 100 दिखा दिया। रहाणे शतक का जश्न मनाने लगे। रहाणे अपना बल्ला घुमाकर अभिवादन कर रहे थे, लेकिन तभी पवेलियन में बैठे सुरेश रैना तुरंत उठे और जश्न मना रहे रहाणे को इशारे से रोक दिया। रैना ने रहाणे को बताया कि अभी शतक के लिए 3 और रन की जरूरत है। अब रहाणे समझे तो उन्हें भी हंसी आ गई और रहाणे कुछ इस अंदाज में रैना को थैंक यू कहते रहे। रहाणे भी काफी देर तक हंसते रहे, हालांकि बाद में अजिंक्य रहाणे ने अपना शतक पूरा किया और 144 रन बनाए। लेकिन जो मजा रहाणे के उस अंदाज में आया वो कमाल का था। वैसे आपको अगर इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।